ये कैसा शोर है? यहाँ तो पत्ते की सरसराहट भी 7 से 8 बार एको होकर जबरदस्त वॉल्यूम में सुनाई देती है। ये है बीजापुर के गोल गुंबज की अनोखी विस्परिंग गैलरी। कहने को तो ये सुल्तान आदिल शाह, उनकी प्रेमिका रंभा और उनके खानदान का मकबरा है, लेकिन 21st सेंचुरी में इसकी हिस्ट्री से ज्यादा इसका आर्किटेक्चर और साउंड टेक्नोलॉजी लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। इस स्ट्रक्चर का ग्राउंड फ्लोर अनोखी गूंज के लिए मशहूर है और डोम यानी ऊपरी हिस्सा विस्परिंग गैलरी के लिए। ये स्ट्रक्चर 168 फीट ऊंचा है और खास स्टोन इंटरलॉकिंग टेक्निक की वजह से ये पिलरलेस है, इसलिए साउंड वेव्स यानी ध्वनि की तरंगे यहाँ बिना किसी रुकावट के कर्वी लीनियर मोशन में ट्रैवल करती हैं। और क्योंकि गुंबज का स्ट्रक्चर गोल है और दीवारें बहुत स्मूथ है, इसलिए हमारी आवाजें इनसे चिपक कर आगे जाती हैं और इंटेंसिटी गिरने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इतना सेंसिटिव गुंबज, इसका लाइव डेमो तो बनता है बॉस। यहां से इस बॉटल को प्रेस करता हूं, ये कितना वाइब्रेट होगा? OMG, यहां तो हर छोटे से छोटा साउंड भी कितना सॉलिड सुनाई दे रहा है। लेकिन यार, मैं ये सोचकर हैरान हूं कि 17th सेंचुरी में बना मॉडर्न साउंड इंजीनियरिंग का ऐसा अजूबा बनाया कैसे? इतिहासकार एकमत नहीं है कि ये जानबूझकर बनवाई गई थी या जब इतनी बड़ी इमारत गोलाकार गुंबद के साथ बनी तब उनको एकाएक पता चला कि यहाँ एक गूंज आती है, अनुगूंज आती है, इको होती है, प्रतिध्वनि होती है और एक विस्परिंग गैलरी बन सकती है। बीजापुर में सुल्तान इब्राहिम शाह का बहुत शानदार मकबरा था और सुल्तान आदिल शाह चाहते थे कि उनका मकबरा उनके पिता के मकबरे से ज्यादा आलीशान हो, इसलिए जीते जी ही उन्होंने मशहूर आर्किटेक्ट यकूत ऑफ दाबुल को एक ऐसा मकबरा बनाने का आदेश दिया जो सबसे नायाब हो। आज गोल गुंबज दक्कनी आर्किटेक्चर की मिसाल बन गया है, लेकिन इन खूबसूरत दीवारों के पीछे एक बड़ी रोमांचक प्रेम कहानी भी है। रंभा और राजा का जो कहानी, राजा इस दीवार, रंभा उस दीवार, ऊपर गैलरी में डिस्कस कर रहे हैं। तो राजा ने रंभा से पूछा, रंभा आप मुझसे प्यार करती हैं? तो नर्तकी रंभा जवाब देती है, हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं रंभावती, तो इस गैलरी से आप नीचे जंप करेंगी? नर्तकी बोलती है, जब मैं कूद जाऊंगी अगर आप 3 गिनेंगे तो? राजा ने हास्य से इस दीवार को 3 गिना, वही बात को रंभा सामने सुन के सडनली गैलरी से नीचे कूद जाती है। जब राजा भागते हुए नीचे आते हैं, अंदर अपमा पड़ी होती है, लास्ट अपने क्वाइश बोलती है, अगर आप मुझे कबर देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन आपके पत्नी से पहले आपके बाजू में मेरा पहला स्थान मिले। किससे कहानियां सबके बारे में लोग आपको बतलाएंगे, मगर वो भरोसा करना मुश्किल है कि राजू गाइड की कहानी कितनी सच है, लोक गाथा कितनी सच है और ऐतिहासिक कितनी है। मगर ये कहानी सच हो या गलत हो, इससे एक और आयाम जुड़ जाता है इस इमारत के साथ कि आप जब यहाँ जाएं इस मकबरे में तो जरा धीमी आवाज में बोलें, फुसफुसाएं और उन यादों को ताज़ा करें जो अमर प्रेम की। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये दक्कन में नहीं बना होता और उत्तर भारत में कहीं बना होता तो शायद ताजमहल छोड़ के लोग इसे देखने जाते, क्योंकि ये जिस तरह ताजमहल अपनी तरह की अकेली इमारत है, उसी तरह बीजापुर का गोल गुंबद दुनिया में शायद अपनी तरह की अकेली इमारत है। एक अनूठा मकबरा जिसके अंदर बसी है कई कहानियां, कुछ जो दक्कनी कल्चर को दर्शाती हैं, कुछ जो रोमानी है। इस बेमिसाल स्ट्रक्चर ने तो दुनिया भर के लोगों को OMG कहने पर मजबूर कर दिया है। ये मेरा